हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं रेड रोज़ के बारे में। वैसे तो रोज़ के बारे में हर कोई जानता है, बट इसकी केयर कैसे की जाए इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। रोज़ की केयर के लिए हमें सबसे पहले वेंड्रेल सॉइल एंड वेंड्रेन पॉट की ज़रूरत होती है। देखिए फ्रेंड, ताकि इसमें पानी कम से कम इकट्ठा रह सके, ताकि इसके रूट्स को कोई हार्म ना हो, इसके लिए हमें हर 15 दिन में इसकी गोडी करते रहना चाहिए। गोडी करने से इसका ड्रेन सिस्टम अच्छा बना रहता है एंड पानी इसके नीचे होल तक आराम से पहुँच जाता है, जो वो बाहर एग्जिस्ट हो जाता है। रोज़ लगाने के लिए फ्रेंड, हमें पहले इसकी मिट्टी के बारे में जानना होगा कि हमें किस टाइप की मिट्टी चाहिए। रोज़ को वैसे एसिडिक सॉइल बहुत पसंद होती है। रोज़ के लिए हमें सबसे पहले 50% गार्डन मिट्टी, गोबर की खाद और 30% ऑर्गेनिक खाद, और जो इसमें रेड मिट्टी आती है साथ में, उसके साथ सबको मिक्स करके लगा देना चाहिए। हम इसमें कोकोपीट का भी यूज कर सकते हैं। वैसे 15 दिन में इसकी गोडी करते रहना चाहिए, ताकि इसका ड्रेन सिस्टम अच्छा बना रहे, और एटलीस्ट हर 15 दिन में हमें इसमें गोबर, गाय के गोबर की खाद डालते रहना चाहिए, ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी बनी रहे और इसकी प्लांट, इसकी लीव्स सूखे नहीं। बात करते हैं फ्रेंड हमें कि रोज़ को पानी कैसा चाहिए। रोज़ को मीठा पानी चाहिए या नॉर्मल पानी चाहिए या खारा पानी चाहिए। फ्रेंड, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रोज़ को खारा पानी पसंद होता है। तो खारे पानी के लिए हमें फिटकरी को बारीक पीस कर उसमें एक गिलास या मग में घोल के इसमें पानी डाल देना चाहिए, ताकि इसकी सॉइल एसिडिक हो जाए और इसकी ग्रोथ बहुत तेज गति से हो और अच्छे फूल दे। ये फूलों की साइज़ भी मोटी होगी उससे। रोज़ को चिकनी मिट्टी पसंद नहीं, क्योंकि चिकनी मिट्टी में का ड्रेन सिस्टम अच्छा नहीं होता, वो पानी बहुत ही धीरे धीरे से नीचे जा पाता है उसमें। इसलिए इसमें अगर चिकनापन हो रहा है तो थोड़ी रेत डाल देनी चाहिए हर महीने में, ताकि सॉइल इसकी रेतीली हो जाए, उससे ड्रेन सिस्टम अच्छा रहेगा। और फ्रेंड, हमें इसकी प्रूनिंग करते रहना चाहिए। प्रूनिंग दो टाइप से होती है, एक ब्रांच प्रूनिंग, दूसरी रूट्स प्रूनिंग। ब्रांच प्रूनिंग में हम इसमें जो अनवांटेड ब्रांचेज होती है उनको कट कर देना चाहिए, और अगर फ्लावर, जैसे देखो ये तो फ्रेश फ्लावर है, अगर फ्लावर पुराना हो चुका है तो उसे कट कर देना चाहिए, या मुरझाया हुआ है उसे कट कर देना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी पावर सक होती रहेगी। पुराना फ्लावर रहेगा तो पावर अधिक लेगा। सबसे ज़्यादा प्लांट की पावर फ्लावर में ही आती है, इस वजह से हमें अनवांटेड फ्लावर, अनवांटेड ब्रांच या अनवांटेड लीव्स को रिमूव कर देना चाहिए, ताकि अपना प्लांट हेल्दी रहे। और फ्रेंड्स, हमें रोज़ हमेशा बड़े गमले में ही लगाना चाहिए, क्योंकि बड़े गमले लगाने का एक फ़ायदा ये है, क्योंकि इसमें नीचे रूट्स इसमें नीचे तक पहुंच जाती है, और इसकी पॉट की लेयर के चारों तरफ में चिपक जाती है, तो छोटे गमले में जल्दी रूट निकलेगी और ग्रोथ इसकी रुक जाएगी। तो बड़े गमले में लगाने से रूट माउंडिंग कम से कम होगी, इसलिए हमें बड़े गमले का यूज़ करना चाहिए वैसे। और अगर फ्रेंड हमें विंटर में अगर ज़्यादा फ्लावर चाहिए और या बड़े फ्लावर चाहिए, तो हमें एक काम करना चाहिए, हमें समर में एंड रेनी सीजन में इसके फ्लावर तोड़ देने चाहिए। फ्लावर तोड़ देने से इसकी ग्रोथ सही रहेगी
और ये इसको इसकी पावर सक नहीं हो पाएगी, पावर सक नहीं होगी तो ये सर्दी में अधिक से अधिक फ्लावर देगा और अधिक से अधिक ब्रांचेज इसमें निकलेगी। और हमें इसकी ब्रांचेज कट करते रहनी चाहिए, ब्रांचेज कट करने से उसी जगह दो ब्रांच निकलती है जिससे इसमें अधिक ब्रांचेज निकलेगी, तो ब्रांच जितनी ब्रांच निकलेगी उतने इसमें फ्लावर आएंगे, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें सीजन या समर में इसमें और तो हमें पोटास का यूज़ करना चाहिए। पोटास का यूज़ करने से इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ गति से होती है। और इसमें ऑर्गेनिक खाद एक और सजेस्ट करना चाहता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये रोज के नाम से ये वाला मैं ऑर्गेनिक खाद यूज करता हूँ। इसमें इस खाद को डालने के बाद इसकी रोज़ की ग्रोथ बहुत तीव्र गति से ब्रांचेज निकलती है और प्लांट ग्रीन होने लगता है। तो फ्रेंड इसका यूज कर सकते हैं, रोज के नाम से आता है ये खाद फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड मेरे गार्डन में कई प्रकार के रोजेज हैं, ये लिटिल रोज वाला छोटे छोटे फूल आते हैं इसमें।